Shaw. उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला। इस जिले का अपना ही महत्व है। नवाबों का शहर रामपुर, कला और संस्कृति की पहचान है ये जिला। भागती दौड़ती जिंदगी रामपुर आकर थोड़ी थम सी जाती है। शहर में घुसते ही आपको दिखाई देंगी खाने पीने की दुकानें। मतलब यहाँ के लोग जिंदा दिल तो हैं ही, खाने पीने का भी पूरा लुत्फ उठाते हैं। मूंग की घोटी हुई दाल का स्वाद लेते हुए इन लोगों को देखकर आप समझ जाएंगे कि रामपुर के लोग खाने के कितने शौकीन हैं। और जलेबी का स्वाद लेकर आप यह भी समझ जाएंगे कि यहाँ के बाशिंदे जलेबी की चाशनी की तरह बहुत ही मीठा बोलते हैं। रामपुर में आपको बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिल जाएंगी। रामपुर की यह पुरानी इमारतें अपनी तारीख बयां करती हैं। ये है रामपुर में हिंदुस्तान की पहचान, रजा लाइब्रेरी। इस रजा लाइब्रेरी को पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। और ये है आधुनिक रामपुर के प्रतीक, बड़े बड़े गेट, बाबे हयात और बाबे निजात। इन्हीं के बीच में बनी है गांधी समाधि। दिल्ली के राजघाट में गांधी समाधि की तरह इस समाधि का भी अपना ही महत्व है। यह समाधि रामपुर के इतिहास की गवाह है। रामपुर ने भी विकास के नए रास्ते तय किए हैं। अपनी परंपरागत पहचान को बचाते हुए रामपुर की महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आज के जमाने के साथ चल रही हैं। वो रोजगार से जुड़ रही हैं, अपना और अपने परिवार का भविष्य बना रही हैं। यहाँ रहने वाली ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने महिला स्वावलंबन की नई मिसालें पेश की हैं, खुद तरक्की की बुलंदियों को छुआ है, दूसरी महिलाओं को भी घर की चार दीवारी के बाहर निकलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। रामपुर की स्वावलंबी महिलाओं की लंबी फहरिस्त में एक नाम है नाजिया तबस्सुम का। मैंने नर्सरी से शमसी गर्ल्स से इंटर किया है और फिर उसके बाद किले में जो गर्ल्स कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में मैंने एमए किया है लिटरेचर इंग्लिश से। और शादी के बाद में मेरा एमए कंप्लीट हुआ था। मेरे घर में मेरे अम्मी पापा और चार भाई हैं और एक बहन है छोटी सबसे। हमारे घर में तो बहुत कहीं पर रोक टोक नहीं थी जाने की। हमारी अम्मी बहुत साथ देती थी, हर जगह जाने साथ में जाती थी। और मैंने जॉब भी की है यूनिसेफ में, तो हमारी मम्मी ने बहुत साथ दिया और कोई परेशानी नहीं हुई। नाजिया तबस्सुम नाम है मेहनत और लगन का, सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी एक महिला का, दूसरी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाली एक महिला उद्यमी का, और अपने हिम्मत और हौसले से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने वाली एक बेमिसाल खातून का। जब मैं छोटी थी तो हमारे पापा की ज्यादा अच्छी इनकम नहीं थी, बहुत परेशानी के हालात गुजरे हैं। और हमारी अम्मी सिलाई करती थी, उससे मैं मुझे पढ़ा लिखाया उन्होंने, आगे बढ़ाया। फिर जब मैंने इंटर कर लिया तो फिर मैंने जरी का वर्क सीखकर अपना खुद से कमाई करना शुरू कर दी। फिर उससे मैंने आगे की अपनी पढ़ाई की। और अब भी शादी के बाद में भी मेरा शौक यही रहता था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। नाजिया तबस्सुम उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रहने वाली महिला है। एक मध्यम परिवार में जन्म लेने वाली नाजिया आज अपनी लगन से समाज में अपना एक मकाम बना रही हैं। नाजिया का जन्म 1986 में हुआ। इनके पिता छोटे मोटे काम करके घर का गुजारा चलाते थे। इनकी अम्मी घरेलू महिला थीं। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन पिता तालीम की रोशनी में अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते थे।
शायद यही वजह है कि उन्होंने नाजिया को खूब पढ़ाया। नाजिया ने रामपुर के शमसी स्कूल से अपनी स्कूली तालीम पूरी की और उसके बाद उन्होंने रामपुर के रजा डिग्री कॉलेज से स्नातक किया। नाजिया अपने घर की बड़ी बेटी थी, उससे छोटी तीन बहनें और एक भाई था। बड़ी बेटी होने के कारण जल्द ही नाजिया पर घर की जिम्मेदारी आ गई। सरदरी का वर्क हमारे घर में ही होता था, हमारी बहन करती थी तो वहीं पर हमने सीखा और फिर उसके बाद में खुद का काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर लड़कियाँ आती थी मेरे पास सीखने, मैं उनको सिखाती थी और बहुत मेहनत की मैंने उनके ऊपर, उनको सिखाया। फिर उन्होंने अपने अपने घरों में करना शुरू कर दिया, मैंने उनको काम दिया। फिर उसके बाद में अपना काम मंगाया जयपुर से, फिर वो भी उन लड़कियों के साथ काम शुरू किया और उन्होंने भी मेरा काम किया, उससे वो बहुत उनको मदद मिली। नाजिया अपने बारे में कुछ सोचती, अपने सपनों को पूरा करती, इससे पहले ही उनका विवाह हो गया। लेकिन नाजिया ने अपनी तालीम को जारी रखा। शादी के बाद उन्होंने इंग्लिश में एमए किया, लेकिन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए नाजिया कोई काम करना चाहती थी। रामपुर में जरदोजी वर्क की बहुत मांग है, घर घर में यह काम किया जाता है। नाजिया के घर में भी यह काम खूब किया जाता था। नाजिया का पूरा खानदान जरदोजी के वर्क में लगा हुआ था। नाजिया को भी इसमें अपना भविष्य नजर आने लगा। मैंने सोचा कि इंग्लिश का ज्यादा स्कोप है इस टाइम, तो इस वजह से इंग्लिश से मैंने एमए किया ताकि मैं आगे इंग्लिश से मुझे कुछ जॉब मिल सके, थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन जॉब का कोई हिसाब नहीं हुआ, हमारा जॉब नहीं मिल पाई, तो इसलिए मैं जरी वर्क को ही आगे बढ़ाया। जिन लड़कियों को मैंने काम दिया उन्होंने भी इनकम उनकी भी हुई उससे, काम की मैं पैसे उन्हें देती थी, जो भी वो काम करती थी मैं उन्हें पैसे देती थी, तो उससे भी मैं अपनी पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखी, पढ़ पाई वो, नहीं तो उनकी पढ़ाई छूट जाती। अगर वो इनकम नहीं कर पाती, उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे, अगर वो इनकम नहीं कर पाती तो पढ़ाई उनकी आगे नहीं बढ़ पाती। वो पढ़ी लिखी, कोई टीचर बन गई, कोई जरी वर्क का ही काम कर रही हैं, कोई काम करवा रही हैं। नाजिया ने बहुत छोटी उम्र में जरदोजी के काम को सीख लिया था। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई के जितने भी काम थे वह नाजिया जानती थी। नाजिया ने जरदोजी का काम शुरू कर दिया। वह अपने साथ दूसरी महिलाओं को भी यह काम सिखाने लगी। शादी से पहले भी नाजिया जरदोजी का काम करती थी, इसी काम से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी, अपने पिता से पैसे नहीं लेती थी बल्कि घर में मदद भी करती थी। शादी के बाद नाजिया के शौहर ने नाजिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मेरी सास बहुत अच्छी हैं और ससुर भी, वो उनके बिल्कुल ख्यालात पुराने टाइप के नहीं हैं और बहुत अच्छा माहौल है हमारे घर का, कोई रोक टोक नहीं करते, बहुत साथ देते हैं। कुछ भी काम करो तो कहती हैं आप, मतलब करो, मैं साथ में हूँ आपके। शादी के बाद में मेरे मियाँ ने बहुत साथ दिया है और मैंने एमए जो है वो शादी के बाद ही किया, और बहुत सारे कोर्स भी कराया उन्होंने मुझे, जैसे कंप्यूटर्स का कराया, बैंकिंग अकाउंटिंग का कराया और सिलाई का कोर्स किया मैंने, और ये जरी वर्क का भी, हैंड एम्ब्रॉयडरी का भी कोर्स किया मैंने, सारे कामदानी का भी कर रही हूँ इस वक्त में। तो मुझे कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और मुझे लेकर जाते थे और छोड़ कर आते थे, लेकर आते थे। नाजिया का विवाह क्योंकि रामपुर में ही हुआ था, इसलिए शादी के बाद भी वह यह काम करती रही। जरी का काम करते करते नाजिया की एक पहचान बन गई। जरी के अलावा नाजिया ने सिलाई और कढ़ाई के भी बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए। हमें फिर ग्रुप्स का काम मिला बनाने के लिए मेनाज मैम के जरिए से, कि हम लोगों को जोड़ें और उनको भी आगे बढ़ाएं, सिखाएं। मेनाज मैम ट्रेनिंग का फॉर्म भरवाती थी तो हमने अपने साथ की सारी लड़कियों के ट्रेनिंग्स के फॉर्म भी भरवाना शुरू किए, जो लड़कियों को जिनको स्कीम के बारे में पता भी नहीं होता था, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, कैसे है, कहाँ पर जाना है, उनको भी सब बताया, उनके फॉर्म भरवाए, उन्हें वहाँ लेकर गए, सबको ट्रेनिंग दिलाई, उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली, सरकारी तरफ से मदद भी मिली और सर्टिफिकेट भी मिला उन्हें, उससे उनको आसानी हुई। और सिलाई का वर्क किसी ने सीखा तो अपने घर पे सिलाई भी कर रही हैं लड़कियां, यहाँ पर बहुत सी लड़कियां आती हैं ग्रुप की सिलाई करती हैं, और उन बहुत सी जरी वर्क का कोर्स कराया, किसी को कंप्यूटर का कराया, सबके फॉर्म भी भरवाए और ग्रुप्स भी बनाए हैं उनको, ग्रुप की लड़कियाँ कुछ लोग जरी वर्क करती हैं और कुछ सिलाई का वर्क करती हैं। हमारी जरी वर्क जो है नवाबों के दौर से चला रहा है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और यहाँ पर तो बहुत ही फेमस है, रामपुर में तो बहुत ज़्यादा जरी वर्क का ही काम बहुत मशहूर है। ये कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। महिलाओं के विकास के लिए उसने एक समूह बनाया जो नाजिया की देखरेख में काम करता है। इस समूह की महिलाएं नाजिया के साथ जुड़कर खुश हैं और नाजिया उन्हें रोजगार से जोड़कर राहत महसूस कर रही हैं। नाजिया ने समूह में ही सब लोगों को जोड़ा और उनके फॉर्म भरवाए, सब काम करवाया, लोगों को ये पैसा दिलवाया समूह का। नाजिया ने किसी ने अपने अपने रोजगार खोले, काम किया। पेरोडी की लड़की हमारी सबसे बड़ी लड़की हैं, तो हमारी यह लड़कियों से भी इतना ही खुश होते और हम भी बहुत खुश होते थे और आज भी खुश होते हैं। और इनकी जिस तरह भी मदद होती है हम करते हैं। समूह बनाए इन्होंने बहुत लोगों के और हम भी साथ में इनके काम करते हैं मतलब, और इन पैसा भी मिलता है हमें। और अब ये सिलाई का काम भी इसी में आया है, समूह की वजह से मिला है सबको काम, तो इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ, सबको काम पे लगवाया। रामपुर क्योंकि एक नवाबी शहर है, यहाँ किसी जमाने में लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ की महिलाओं ने इन बंदिशों को तोड़ा है, अपने लिए विकास की नई राह चुनी है। नाजिया ऐसी ही महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। वह चाहती हैं रामपुर की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, समाज में अपनी एक पहचान बनाए। जब मैं ग्रुप बनाने गई तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा सवाल करती थी, इससे हमें क्या होगा, हमें कैसे करेंगे, और हमें तो कुछ पता भी नहीं है। तो उन्हें हर बात बताई, उन्हें समझाई कैसे आप ग्रुप बना सकती हैं, इससे आपको सरकारी तरफ से मदद भी मिलेगी, आप इससे काम अपना आगे बढ़ा सकती हैं और लोगों को जोड़कर आप एक दूसरे की मदद भी कर सकती हैं इससे, स्वयं सहायता समूह से। और इसका विकास भवन से फॉर्म भरा जाता है, वहीं पर वहीं से हमें फाइल लगती है और फिर बैंक से अकाउंट खुलवाए, उनके सब काम उनका कराया, उन्हें हर बात समझाना पड़ती थी। कहती थी हम ग्रुप बना के क्या करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा इससे, हम क्यों जाएं। तो उन्हें सब बात समझाना पड़ती थी, सब समझाया उन्हें जोड़ा, फिर उन्हीं लोगों को समझा के फिर उन्होंने ही हमें और लोगों से भी जुड़वाया, उनके भी सब ग्रुप बनवाए हमने फिर। नाजिया सिर्फ महिलाओं को ही काम नहीं देती बल्कि पुरुषों से भी काम करवाती हैं। काम ज्यादा हो या कम, सब में बराबर बांट दिया जाता है। जरदोजी के वर्क को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं नाजिया। हाँ देखिए, इस वर्ष शासन ने भी ऐसा डिसाइड किया है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, ये इन समूहों को स्वावलंबी और इनको रोजगार देने के लिए इन लोगों से हम लोग जो बच्चों को यूनिफॉर्म दी जा रही है, जो बच्चों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाती है, वो हम इन महिलाओं से सिलवा रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि इन लोगों को रोज़गार की प्राप्ति हो। और इसमें लगभग 100 से अधिक समूह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जनपद के लगभग 1,00,000 बच्चों की यूनिफॉर्म इस बार समूह से ही सिलवाई जा रही है, तो इससे इनको रोज़गार भी मिलेगा और बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली यूनिफॉर्म भी प्राप्त होगी। जरदोजी एक फारसी लफ्ज़ है जिसमें जर का अर्थ होता है सोना और दोजी का अर्थ होता है सीना। पहले जमाने में सोने के इस काम को जरदोजी कहते थे। मुगल काल में यह काम बहुत समृद्ध हुआ। जरदोजी का काम एक अड्डे पर किया जाता है। अड्डा एक प्रकार का लकड़ी का खांचा होता है जिसमें उस कपड़े को बांधा जाता है जिस पर जरी का काम करना होता है। इस काम में अलग अलग किस्म की सुई का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुई हाथ के काम से अलग होती है। मैं जरी वर्क का काम करती हूँ, साड़ियों पर भी होता है और सूटों का भी होता है, और जयपुर से काम आता है, वही हम अड्डे पर टाँकते हैं। अड्डे पर टाँकने के बाद में उसको मोती का डाना, रेशम ये सब लगाते हैं और उसके बाद में फिर उसे खोलने के बाद उसमें चिपकाने का काम भी होता है, नग वग चिपकते हैं उसमें, उसकी फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग होने के बाद में उसे पैक करके हम भेजते हैं। पहले जमाने में इसमें सिर्फ सोना यानी गोल्ड से काम होता था। आज भी कुछ लोग सोने का ही काम कराते हैं,
लेकिन अब सिल्वर के धागों से भी काम किया जाता है। इसमें छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं जिसमें दाने व मोतियों को उनके बीच में लगाया जाता है और इसके ऊपर कई किस्म का काम होता है। आप देख सकते हैं जरदोजी का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह सूट, साड़ी, चादर, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर जरदोजी का वर्क होता है। नाजिया जो काम करती हैं, उसका अधिकांश माल राजस्थान जयपुर जाता है। यह सारा माल जयपुर जाने के लिए तैयार है। जरी वर्क जो है नवाबों के दौर से चला रहा है और इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और यहाँ पर तो बहुत ही फेमस है। रामपुर में तो बहुत ज्यादा जरी वर्क का ही काम बहुत मशहूर है। ज़्यादातर आधे से ज़्यादा लोग ये जरी वर्क ही करते हैं और शहरों में भी इसका बहुत स्कोप है। का ये काम जो है वो हैंड वर्क होता है, ये हैंड से होता है हाथ से, इसमें कोई मशीन का काम नहीं होता है और ना ख़राब होता है, बहुत जल्दी बहुत टाइम तक सही रहते हैं, अच्छा रहता है और चमक बहुत होती है इसमें, चमक। यह तैयार सूट और साड़ियाँ, इस पर जरी का खूबसूरत काम किया गया है। आपको बताते हैं कि जरी का काम कैसे होता है। यह देखिए, धागे से और बारीकी वाला काम भी यह दो लोग कर रहे हैं। यह ओढ़नी वाली चादर है जिसके ऊपर बारीकी से धागे का काम किया जाता है। इस काम के लिए तेज रोशनी की जरूरत होती है क्योंकि काम बहुत बारीक होता है। जरी वर्क का काम स्टार्ट किया, इससे मैंने काफी सारे लोगों को अपने साथ लगा रखा है इस काम में और बहुत सारे फायदे होते हैं हमें इससे, बहुत सारा कि हम जो भी काम आगे आए तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं। हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला है इस काम से जी, समोसे और मार्केटिंग में भी ये है कि अगर कोई भी अच्छा काम आता है तो हम लोग कर लेते हैं जरी वर्क में। बहुत काफ़ी टाइम हो गया जुड़े हुए, नाजिया भाजी ने हमें काम सिखाया, बहुत सारा हमने अपना समूह बनाया और लेडीज़ वगैरह को सबको जोड़ा साथ में, हमने अपना काम किया और सब लोग आपस में बैठकर, सब महिलाएं मिलती हैं तो अपना हम कारोबार शुरू करते हैं, ये करते हैं, सब अपने जरी वर्क का काम करते हैं। और बहुत सारा ये है कि हमें नाजिबाद ने बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें सिखा दिया है उन्होंने। अब माशाल्लाह यहाँ से काम वाम चल रहा है खूब अच्छा, उनके ज़रिए मेरी घर गृहस्थी भी चल रही है, जो मेरी परेशानी थी आगे अब वो हमारी बीवी काम करती हैं यहाँ पर और मैं भी परेशानी से दूर बचा पड़ा हूँ, क्या नाम है, और अब उनका काम चल लिया और मैं भी मैडम के साथ जुड़ा हुआ, मैं चाहता हूँ उनके जरिए मैं भी काम कर सकता हूँ। नाजिया इस काम को करके उसे बाजार में बेचती हैं। बाजार में इस काम की अच्छी खासी मांग है, लोग इसे लेना चाहते हैं, इसे पसंद करते हैं। नाजिया के साथ काम करने वाली महिलाएं हर काम में नाजिया का साथ देती हैं। नाजिया इनमें से कुछ महिलाओं को महीने के महीने पगार देती है तो कुछ को रोज, लेकिन सबकी रोजी रोटी का माध्यम बन रही है नाजिया। कार चौक का काम कराते थे जरी का काम, जब लॉकडाउन हुआ हमारा काम बंद हो गया, उसके बाद हम इस सेंटर से जुड़ गए, समूह के साथ काम करने लगे, सिलाई वगैरह करते रहे और हमारे साथ और भी जुड़े। पैसे से इतनी आई, लॉकडाउन था, काम नहीं था, पैसा नहीं था, यहाँ पर आए, हमने काम करा, समूह से जुड़े, पैसा मिला, हमारी परेशानी दूर हुई। पहले से बहुत ज़्यादा सुकून है और अल्लाह ने चाहा सुकून ही मिलेगा अभी। अब आगे क्या देखिए, आगे के ये है कि हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए भी सोच रहा हूँ और अपने लिए भी सोच रहे हैं, मतलब आगे जब करेंगे तो मिलेगा भी, जब घर में बैठ जाएंगे तो कुछ, हमारे शोहर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है कि वो ये चाहते हैं अपने अपने हाथ पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाओ। अभी ये है हम अपना काम करते हैं जरिए का, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, ना हम काम जानते थे, अब ये है कि हम अपना काम भी कर लेते हैं और क्या कहते हैं अपने पैसे से भी, क्या कहते हैं हमारे पास पैसा भी आता है उससे, और भी महिलाएं जो होती हैं वो भी काम करती हैं, हम उनको भी काम देते हैं, वो भी काम करती हैं। बाजार में आने के बाद इस काम की असली कीमत पता चलती है। रामपुर के स्थानीय बाजारों में जरी का बारीक काम भी देखने को मिलेगा तो मशीन से बना हुआ काम भी। शादी का यह जोड़ा देखिए कितना खूबसूरत है। जो लोग मशीन के और हाथ के काम का फर्क नहीं समझ पाते वह बाजार में आने के बाद ठग लिए जाते हैं। इसलिए जरी के काम की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जरी के सूट व साड़ी खरीद रहे हैं, जरी एक कला है और इसको समझने की परख होनी ही चाहिए। सर मुझे यही काम को आगे बढ़ाना है जरी वर्क के, लड़कियां अपना काम खुद बनाकर खुद सेल कर सकें, उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नाजिया ने जरदोजी के काम में यकीनन अपना एक अलग ही मकाम बनाया है। रामपुर जिले में उसका काम खूब चल रहा है। इस काम में उसके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। नाजिया का हंसता खेलता परिवार है और सब उसकी तरक्की और खुशहाली की दुआ करते हैं। जरी का काम इनसे बहुत आता है और मतलब ये औरों से भी करवाती हैं, काम सिलवाती हैं, सब काम पूरा, और ये सब तैयार करवाती हैं और सबको खुश रखती हैं। ये ससुराल वालों को भी, अपने सास ससुर का भी बहुत ख्याल करती हैं और सबसे खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं इनसे। लोगों को घर घर गई नाजिया, काम करवाया, औरतें इकट्ठी करी, उनके समूह के फॉर्म भरवाए, मैं पैसा दिलवाया और उनके रोज़गार जिसको जो अच्छा लगा वो रोज़गार उन्होंने खोले। सबके साथ में हमदर्दी भी करती हैं और लड़कियों को सिखाने की कोशिश करती हैं और ये पल यही चाहती हैं कि मैं बहुत सा काम मुझे मिले और मैं सब लड़कियों के साथ में करूँ। शौहर को भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं और अपनी सास नंदों को भी देखती हैं, सबको देखती हैं। बहुत अच्छी औरत है ये। नाजिया की कामयाबी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामपुर के जिलाधिकारी भी उनके काम की तारीफ करते हैं। वह मानते हैं कि नाजिया दूसरी महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करती रही हैं। नाजिया भी उस समय उसी जो एग्जीबिशन था उसका हिस्सा थी और जरीदोजी पे उनके प्रयोग बहुत अच्छे हैं। उस समय मेरी उनसे जब बात हुई थी तो मैंने नाजिया से कहा था कि आप कोशिश ये करें कि जो अभी की जो पसंद है उसके हिसाब से जरीदोजी को ढालें, क्योंकि जरीदोजी को समय के हिसाब से चलना आना पड़ेगा। और इस बात को उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि अगली बार जब एग्जीबिशन में मैंने देखा तो चेंजेस नज़र आए और काफ़ी उत्साह में उनके साथ की महिलाएं भी थी और ये चाहती थी कि मैं उस जो उन्होंने प्रयोग किया है उसको देखूं। और मैंने देखा और मेरे लिए बड़ा उत्साहवर्धक था। ये जरीदोजी का काम ऐसा है रामपुर का जो अगल बगल के ज़िले भी हालांकि करते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा कि रामपुर की जरीदोजी दिल्ली तक गई और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको देखा और सराहा। जिलाधिकारी यह भी मानते हैं कि समाज के विकास के लिए महिलाओं का विकास बहुत जरूरी है। रामपुर की महिलाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, अपने परंपरागत काम को आगे बढ़ा रही हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ऐसा हो पाया कि इन लोगों ने उस चीज़ को उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक वो लेके गए। हमारे लिए अब नाजिया को सबसे बड़ा सपोर्ट जो करने की चीज़ थी वह है मार्केट की अवेलेबिलिटी। उनको मार्केट से लिंक करने के साथ साथ उनको जो जो सहायता हम ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ों में और पूंजी की सहायता जो दे सकते हैं वो दें। हमने इनको बैंकों से लिंक किया और जहाँ जहाँ पे उनकी अड़चने थी प्राथमिकता पे उनकी सुनी और उनकी दूर की और नाजिया ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया। और अभी उनके साथ समूह की महिलाएं निरंतर जुड़ती जा रही हैं और जो पहले ये था कि खाली जुड़ने के लिए हमने कहा कि आप जुड़ जाओ इसलिए जुड़ गए या फिर कुछ जो उनको पैसा मिलता है लोन के तौर पे उसके लिए जुड़ गई, वो चीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अब जुड़ रही हैं और ये सबसे अच्छा उत्साहवर्धक रिजल्ट है। अब महिलाएं अपनी मर्जी से अपने अनुसार काम कर रही हैं और उनको अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए भी किसी की ओर देखना नहीं पड़ रहा है। अभी भी मैं रास्ते में एक केंद्र देख कर आई हूँ और महिलाओं में मैंने जो कहा जाता है कि महिलाएं हमेशा पर्दे के पीछे से काम करती हैं, तो आज मैंने देखा महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं और वो फ्रंट में आकर के मुझसे बात कर रही थी कि मैडम हमें इतना कपड़ा चाहिए, इतने मैंने यूनिफॉर्म सिल दिए हैं। तो आपको एक अप्रत्याशित डिफरेंस आपको स्वयं भी दिखाई देगा उनके काम में। नाजिया ने अपने साथ इन महिलाओं के जीवन को भी सुधारा है। इनकी बिखरी हुई जिंदगी को जरदोजी के वर्क की मानिंद खूबसूरती से सिया है। आज यह महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के सपने देख रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्वावलंबन की राह पर चल रही हैं। तो जब मैं फील्ड में जाती हूँ, औरतों से मिलती हूँ, महिलाओं से, तो उनके घर में यही परेशानी आती है कि उनके हस्बैंड ये कहते हैं कि बाहर नहीं जाने देते, उन्हें कहते हैं कि बाहर जाएंगी तो घर कैसे चलेगा, वो घर में कौन देखेगा, और कहते हैं कि घर से बाहर निकलेंगी तो ये बिगड़ जाएंगी। तो हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, घर से बाहर निकलने से कोई नहीं बिगड़ता है, अपने आप का अपना माहौल अच्छा होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है।
और जब तक औरतें घर से बाहर नहीं लगेंगी तो वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगी। जरदोजी के वर्क ने नाजिया तबस्सुम को नई दिशा दी है, उनके विकास के रास्ते खोले हैं। यह रास्ते उन्हें बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। आत्मविश्वास से भरपूर नाजिया तबस्सुम को आप देख सकते हैं। अब वे दुनिया से निडर हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने उड़ान भर ली है। सर, मुझे यही काम को आगे बढ़ाना है, जरी वर्क के लड़कियां अपना काम खुद बनाकर खुद सेल कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। अभी तो वहाँ पर जाता है तो हमें उतना पैसा नहीं मिल पाता है। हम अपना अगर वर्क करेंगे, अपने आप तैयार करेंगे और अपने आप सेल करेंगे तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। नाजिया आज अन्य महिलाओं के लिए एक सकारात्मक पैगाम देती है। नाजिया तबस्सुम की कामयाबी किसी भी महिला को प्रेरित कर सकती है। नाजिया तबस्सुम के साथ चल रहा यह समूह इस बात का गवाह है कि रामपुर में महिला स्वावलंबन एक कदम विकास की ओर कितना सही साबित हो रहा है। तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है जब कस्टमर को अवेयरनेस आएगी। गवर्नमेंट को भी इसमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, मुझे लगता है कि किसानों को उनका शेयर जरूर दें। जब तक नहीं देंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी।